सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे किसी पार्टीशन के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर कैसे किसी पार्टीशन से एक नया पार्टीशन बना सकते हैं, या फिर किसी पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर पे जाना है, ठीक है, या माई कंप्यूटर पे चले गए तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक ड्राइव है, एफ ड्राइव, जिसका नाम डंप है, ठीक है। इसका साइज आप देख सकते हैं 102 GB का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पार्टीशन का साइज कम करके बताऊंगा। इसका साइज मैं 100 GB करूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 2 GB एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिससे कि मैं एक नया पार्टीशन बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, एंड देन आपने ऑप्शन चूज करनी है मैनेज। मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद लेफ्ट पेन में आपने लास्ट में एक ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर की सारी ड्राइव्स बताएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है डंप एफ ड्राइव, जिसका साइज 102 GB है और मैंने इसका साइज 100 GB करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने चूज करना है श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है। जब आप श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने साइज देना है कि आपने कितना GB कम करना है, ठीक है। और वो साइज आपको यहाँ पे MB के अंदर एंटर करना होगा, कितने MB, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि 1024 MB का 1 GB बनता है, और मैंने 2 GB कम करना है, तो इट मीन्स 2048 मैंने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। इट मीन्स 2 GB जो है कम हो जाएगा। इसके बाद आपने श्रिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं एफ ड्राइव जो है 100 GB की बन गई है, और जो 2 GB मैंने यहाँ से काटा उसका एक अनएलोकेटेड स्पेस बन गया। अब जो अनएलोकेटेड स्पेस बना है, इससे मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट करूँगा, जिसके लिए आपने इस अनएलोकेटेड स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है वहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट करना है, और इसको आपने फॉर्मेट करना है नेक्स्ट, एंड देन फिनिश, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ ड्राइव का साइज जो है 100 GB हो गया, जो कि छोटा हो गया, पहले 102 GB था, और एक नया पार्टीशन बन गया, नया वॉल्यूम, जिसका नाम जी ड्राइव है और इसका साइज जो है 2 GB है, ठीक है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किसी पार्टीशन का साइज बढ़ाना कैसे है। जैसे कि एफ ड्राइव है, इसका साइज 100 GB है, तो मैं इसका साइज जो है अब आपको बढ़ा के बताऊंगा, साथ में किसी वॉल्यूम को कैसे डिलीट करना है, और जो डिलीट किया हुआ वॉल्यूम है इसका साइज आप किसी दूसरे पार्टीशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने दोबारा से डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है, और सबसे पहले आपने कोई एक वॉल्यूम जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो 2 GB का वॉल्यूम बनाया है जी ड्राइव, उसको मैं डिलीट करूंगा। इसके लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड देन डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने यस कर देना है। तो आप देख सकते हैं वो वॉल्यूम जो है डिलीट हो गया, और दोबारा से 2 GB अनएलोकेटेड स्पेस बन गया, ठीक है। अब आपने एफ ड्राइव, जिसका कि मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड देन ऑप्शन चूज करनी है आपने एक्सटेंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एफ ड्राइव का साइज दोबारा से 102 GB हो गया, और जो हमने नया पार्टीशन बनाया था जी ड्राइव, वो डिलीट हो गया है। तो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।